तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट ट्वीट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले बेन 10 यूएस के सबसे एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस और वेपन्स के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे जो अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बेन 10 यूएस के सबसे हाई टेक और एडवांस डिवाइसेस और वेपन्स के बारे में। तो गाइस, बेन 10 यूनिवर्स जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टेक और एडवांस वेपन्स और डिवाइसेस मौजूद है। तो आज उसमें से हम सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 हाई टेक डिवाइस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास नंबर 5 पे आते हैं टेकेडॉन रोबोट्स। दोस्तों, टेकेडॉन रोबोट्स की बात करें तो इनका टेक्नोलॉजी लेवल 12 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। दोस्तों, टेकेडॉन रोबोट एक तरह के वॉर मशीन है। इनके अंदर नेनाइट बेस्ड रीजेनरेटिव मशीनरी यानी कि रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से जो टेकेडॉन रोबोट्स अपने सिंगल पार्ट में से भी फुल मतलब रीजेनरेट कर सकते हैं, अगर उसका कोई भी पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया है तो। यानी कि अपने सिंगल पार्ट में से अपनी पूरी बॉडी को रिक्रिएट कर सकते हैं। टेकेडॉन रोबोट ग्रुप ऑफ वेपन मास्टर ऑफ टेकेडॉन ने बनाया है। हाँ, ये वही ग्रुप है जिसका एक मेंबर इंस्पेक्टर 13 है। टेकेडॉन रोबोट्स के अंदर काफी ज्यादा एडवांस वेपन्स का यूज किया गया है, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा जो तबाही मचा सकते हैं और वो एक काफी ज्यादा जो डेंजरस रोबोट्स है। और हाँ गाइस, टेकेडॉन रोबोट्स के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 पे आता है टाइम साइकिल। दरअसल ये कोई डिवाइस नहीं, एक व्हीकल है जो कि उसके ड्राइवर को टाइम और स्पेस के थ्रू ट्रैवल करवा सकता है। दोस्तों, टाइम साइकिल की बात करें तो ये टाइम बाइक्स के नाम से भी जो है जानी जाती है, और इसको अप्रीक जो कि बेन 10,000 का एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसने क्रिएट किया था। अप्रीक का हाफ बॉडी जो ज्यूरी रिग और हाफ बॉडी जो है अपग्रेड से बना हुआ है। दोस्तों, नंबर 3 पे हमारे पास दो जो है वेपन्स शामिल होते हैं, जो है नेमेट्रिक्स और क्रोनोसेफियन टाइम बॉम्ब। दोस्तों, नेमेट्रिक्स और जो क्रोनोसेफियन टाइम बॉम्ब है, इन दोनों का टैक लेवल जो है 90 और 20 के बीच में है, यानी कि 19.5 है। दोस्तों, नेमेट्रिक्स ओमनीट्रिक्स की तरह ही एक डीएनए अल्टरनेटर डिवाइस है। दरअसल ये ओमनीट्रिक्स की कॉपी है, जिसको डॉक्टर साइकोबोस ने क्रिएट किया था। दरअसल नेमेट्रिक्स के अंदर बेन 10 के एलियंस के प्रेडेटर्स के डीएनए है, जो कि एक उनके कुदरती शिकारी है जिसको खाइबर यूज करता है। और अगर बात करें क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब्स की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव वेपन है, जिसकी मदद से एक ही झटके में बहुत सारे टाइमलाइंस और रियलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसको बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में एंड देयर वाज नन एपिसोड में विल गेट्स ने यूज़ किया था। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 पे आता है ओमनीट्रिक्स एंड अल्टीमेट्रिक्स, जो कि सबको पता ही है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स का टेक लेवल 20 है, और तो और ये बेन 10 यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस डिवाइस है। बट रुके गाइस, अभी नंबर 1 बाकी है। हाँ गाइस, ओमनीट्रिक्स से भी ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो गाइस, बेन 10 यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनमें दो चीज़ शामिल होती है, एक है एनाइल आर्क और दूसरी है नालजीन डिस्ट्रक्टर। दोस्तों, ये दोनों डिवाइस का जो टेक्नोलॉजी लेवल 20 प्लस है, यानी कि बेन 10 यूनिवर्स में अब तक का जो सबसे एडवांस डिवाइस ओमनीट्रिक्स है उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों, एनाइल आर्क की बात करें तो एनाइल आर्क काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड और डेंजरस डिवाइस है। दोस्तों, एनाइल आर्क के क्रिएटर 5th डायमेंशनल बींग्स है, और एनाइल आर्क एक टाइप का जो है डूम्स डे डिवाइस है, यानी कि एनाइल आर्क की मदद से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोस्तों, नालजीन डिस्ट्रक्टर की बात करें तो नालजीन्स ने इसको क्रिएट किया था। नालजीन डिस्ट्रक्टर एक लेवल 20 प्लस टेक्नोलॉजी है, जो कि किसी भी चीज़ के रोबोटिक वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यहाँ तक कि वो अपना साइज जो जिसमें से वो कॉपी हुआ है उससे ज़्यादा कर सकता है, मतलब अपने मुताबिक कर सकता है जितना वो बढ़ाना चाहे। और तो और ये जो उसके पावर्स को भी कॉपी कर सकता है जिसमें से वो कॉपी हुआ है। और तो और ये जो है अपने आप जो है वर्क करता है, यानी कि किसी के कमांड नहीं जो सुनता है, ये अपने आप जो अपने मुताबिक वर्क करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। दरअसल ये जो नालजीन डिस्ट्रक्टर है, वो नालजीन स्पीसीज के बच्चों के खेलने के लिए यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है, मतलब कि उनके बच्चों का एक खिलौना है। तो कि सब समझ सकते हो कि अगर उनके बच्चों का जो खिलौना इतना ज़्यादा हाई एडवांस, मतलब इतना ज़्यादा टेक लेवल 20 प्लस हो सकता है,
तो उसके ज़्यादा मतलब उनके पास जो वेपन्स होंगे उनकी टेक्नोलॉजी वो कितनी आगे हो सकती है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोज़ देख सकते हो।